छोड़ दे सर। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस अपने नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए हमेशा ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती रहती है जिसमें खेलकूद के माहौल को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन देने का मौका जो है बच्चों को मिले। आज का भी ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल कोई 500 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया था और इस साल कोई 800 के करीब बच्चों ने अभी इसमें हिस्सा लिया है। आपने देखा किस जोश व खरोश से सुबह जब इसको फ्लैग ऑफ कर रहा था इवेंट को, किस तरीके से बच्चे बुजुर्ग बच्चियां सब इसमें हिस्सा ले रहे थे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे इस कोविड के दौर से अब निकल करके खेल कूद की तरफ बढ़ रहे हैं और अमन की राह पर जो इस तरह के कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले कार्यक्रम में अब कोविड को डाउन हो रहा है उसमें और बच्चे और बाकी लोग हिस्सा लेंगे। पिछले साल पुलिस ने जो एक्टिविटीज़ सपोर्टिंग के फील्ड में ऑर्गेनाइज करी थी लगभग 70,000 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया था, 70,000 नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया था और कोई ऐसी सपोर्टिंग इवेंट नहीं है जो ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। इस साल का कार्यक्रम भी हमारा तय है, इसमें इस साल खासतौर पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव उसके थीम के तहत भी अलग अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी उसी के साथ एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। बहुत सारे कार्यक्रम जिलों में अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और अभी बड़ी सतह के ऊपर जो आमंड पुलिस जो मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है उसके लिए और सारे कार्यक्रम अभी काफ़ी हमारे जो हैं लाइंड अप हैं। मैं अपनी टीम जो लड बाई ADG आर्म्ड जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सारी तादाद में बच्चों को बुज़ुर्गों को बच्चियों को सबको हिस्सा लेने का मौका दिया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनाम जीतने वाले लोग और पार्टिसिपेट करने वाले को भी सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।